शिवराज कैबिनेट में मंत्री बने बिसाहूलाल सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, कांग्रेस का आदिवासी चेहरा थे। लेकिन कमलनाथ सरकार के समय मंत्री नहीं बनाए जाने के चलते उन्होंने बगावत की राह पकड़ी और कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। 2018 में बिसाहूलाल सिंह पांचवी बार विधायक चुने गए थे। आइए जानते हैं बिसाहूलाल सिंह का सियासी सफर। आज कैबिनेट का विस्तार हुआ जिसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों का अच्छा खासा दबदबा है। शिवराज मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले 28 मंत्रियों में सिंधिया खेमे के 9 विधायक शामिल हैं, जबकि कांग्रेस के 3 ऐसे बागियों को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने कमलनाथ सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने के चलते बगावत कर बीजेपी का हाथ थामा है। इनमें से एक है बिसाहूलाल सिंह, जिन्होंने 40 साल पुरानी कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थामा और कमलनाथ की सरकार गिराई, लिहाजा उन्हें शिवराज सरकार में मंत्री पद का इनाम मिला। बिसाहूलाल सिंह 5 बार अनूपपुर विधानसभा से विधायक रहे हैं। जिले में 3 विधानसभा हैं, जो तीनों ही कांग्रेस के पास हैं। इन्हीं में से एक विधानसभा अनूपपुर, जिस पर बिसाहूलाल सिंह सन 1980 में पहली बार विधायक चुनकर आए थे। अभी तक वे 5 बार कांग्रेस के विधायक इसी सीट से चुनकर आ चुके हैं। इन्होंने अब तक सूरज दीन सिंह, लक्ष्मी आर्मो व रामपाल रोतेल के साथ प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ा। 8 चुनाव में 5 बार उन्होंने चुनाव जीता, 3 बार हारे भी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में बिसाहूलाल सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री बने, ऊर्जा मंत्री और आदिवासी विकास मंत्री के पद पर भी रहे। वर्तमान विधानसभा में भी मंत्री बनने के इनके पूरे आसार थे। लिस्ट में नाम होने के बावजूद अंतिम समय में उनका नाम हटा दिया गया था, तब से वे नाराज चल रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।